दिल्ली अप टू डेट। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अश्वनी अत्री। आज आईपीएल 2020 का तीसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। उस मैच में क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से पिच बिहेव करेगी और क्या कौन खिलाड़ी की प्लेयर्स रहेंगे, किस टीम के लिए सनराइजर्स हैदराबाद किन खिलाड़ियों के भरोसे उतरेगी और जो विराट कोहली की सेना है वो किन खिलाड़ियों के भरोसे उतरेगी, वो सब अपडेट हम आपको देंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में जो ये मुकाबला भी उसी ग्राउंड पर खेले जाने वाला है जिसपे मैच नंबर 2 खेला गया था अबुधाबी में, और आप यहाँ पे जानते होंगे जो यहाँ की पिच है वो थोड़ी स्लो है, तो जो यहाँ पे एवरेज स्कोर हो सकता है वो 150 से 160 रन के आसपास का हो सकता है अगर टीमें अच्छी बल्लेबाजी करती हैं, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली थोड़ा विकेट होगा। यहाँ पे स्पिन के स्पिनर्स का बड़ा अहम रोल हो जाता है, जिस तरह से आपने दिल्ली कैपिटल्स के मैच में भी देखा, अश्विन ने एक ही ओवर कराया था और उसमें मात्र 2 रन दे करके 2 विकेट हासिल कर लिए थे, क्योंकि यहाँ के पिच से आपको टर्न भी मिलेगा और स्पिनर्स यहाँ पे काफी मददगार साबित होगी ये पिच स्पिनर्स के लिए। अब बात दोनों टीम्स की करें तो दोनों टीम्स में जो खिलाड़ी हैं वो बेहद शानदार होने वाले हैं। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 मैं आपको बताऊं तो पहले मैं आपको आरसीबी की प्लेइंग 11 बताता हूं। आरसीबी की प्लेइंग 11 इस समय आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आरसीबी की ये संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है। इसमें आप देख रहे होंगे जो ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उसमें आप पार्थिव पटेल, उसके बाद विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, इन तीन बड़े नामों को आप देख रहे होंगे, इन तीन और साथ ही साथ एरोन फिंच को भी यहां पर नहीं भूलना होगा जो 4 नंबर पे हमें नजर आ रहे हैं। इन ये 4 प्लेयर्स के ऊपर पूरी तरह से आरसीबी की बैटिंग लाइनअप डिपेंड है। अगर ये चारों जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर आरसीबी ज्यादा रन बनाए नहीं पाएगी इस मुकाबले में, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि जो हम पिछले सीजन में भी देखते आए हैं कि आरसीबी के ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन ही, इन्हीं के ऊपर आरसीबी पूरी तरह डिपेंड होती है, विराट कोहली कप्तान और एबी डिविलियर्स। लेकिन जो इनमें भी, इन 4 बैट्समैन में भी जो की प्लेयर्स हैं उसमें हम वीरू जय वीरू की जोड़ी को ही इसमें मानेंगे, यानी जय वीरू की जोड़ी विराट कोहली कप्तान और एबी डिविलियर्स के ऊपर आरसीबी की बैटिंग लाइनअप पूरी तरह डिपेंड करती है। नीचे आकर के कुछ बल्लेबाज हैं जो थोड़ा बहुत लंबे हिट लगा सकते हैं, चाहे वो क्रिस मॉरिस हो, ऑलराउंडर हो, वो थोड़ा हिट लगाने का दम रखते हैं, लेकिन जो मेन आरसीबी की बैटिंग लाइनअप है वो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब बात सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की करें तो हैदराबाद की जो बॉलिंग है वो हमेशा से खास रही है, पिछले सीजन भी आपने देखा होगा काफी लो स्कोर के बावजूद हैदराबाद की टीम ने अच्छे डिफेंड किए थे टोटल को, क्योंकि उनकी बॉलिंग हमेशा से बहुत स्ट्रांग रही है, उसमें भुवनेश्वर कुमार है, साथ ही साथ जो राशिद खान जैसे स्पिनर उनके पास है सनराइजर्स हैदराबाद के पास, जो किसी भी समय मैच को पलट सकते हैं। तो इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद एक और गेंदबाजी स्ट्रांग है, वहीं विराट कोहली की सेना की बैटिंग को आप थोड़ा मजबूत मान सकते हैं। बॉलिंग में उनके पास नवदीप सैनी है, उमेश यादव है, लेकिन कभी कभार जब लाइन लेंथ से उमेश यादव भटक जाते हैं तो बहुत महंगे साबित होते हैं, तो उसको देखते हुए आरसीबी की बॉलिंग को इतना स्ट्रांग नहीं माना जा सकता। वहीं बात सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग की करें तो सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग में केन विलियमसन अगर खेलने के लिए अवेलेबल होते तो केन विलियमसन पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ भी ओपनर पर ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी डिपेंड करती है, उसमें डेविड वार्नर है, डेविड वार्नर पे काफी कुछ सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग का निर्भर करता है कि किस तरह से, और मिडिल ऑर्डर में मनीष पांडे हैं, वो उनके ऊपर पूरा दारोमदार होता है सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग का। अब आप मेरे ठीक बगल में सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 संभावित प्लेइंग 11 जो हो सकती है वो आप देख रहे हैं, ये खिलाड़ी संभावित प्लेइंग 11 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में हो सकते हैं। तो तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कुछ इस मैच में होने वाला है हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, फटाफट जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।